जब से दुनिया डिजिटल हुई है तब से चोरों ने भी चोरी करने का अंदाज बदल लिया है। अब वे घरों में जाकर नहीं बल्कि अपने घर में बैठकर ही आपकी गड़ी पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। गौरतलब ये है कि इस चोरी में आम जनता ही उन्हें सहयोग कर अपनी कमाई लुटा रही है। यही कारण है कि डिजिटल चोर आपके पास पूरा जाल बिछाते हैं और आपके बैंक अकाउंट की महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर उनके आधार पर आपसे जरूरी ओटीपी नंबर ले लेते हैं और कुछ ही देर में आपके अकाउंट से पैसे निकलने आरंभ हो जाते हैं। कभी ये जालसाज आपको फोन करते हैं तो कभी ईमेल पर लॉटरी का झांसा देकर पैसे ऐंठ लेते हैं। इन सभी फ्रॉड के लिए पुलिस, बैंक और प्रशासन काफी समय से जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में आकर अभी भी अपनी पूंजी लुटा रहे हैं। जोगिंद्रा बैंक के मैनेजर एलडी शर्मा ने बताया कि उनके पास अक्सर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है, लेकिन अगर व्यक्ति ठगों को अपनी ओटीपी दे देता है तो उसका पैसा वापस मिलना बेहद मुश्किल है। ज्यादातर घटनाओं में पैसा वापस नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि कभी भी बैंक किसी भी ग्राहक को फोन कर उससे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल नहीं करता है और न ही ओटीपी मांगता है। अगर बैंक को कोई जानकारी चाहिए होती है तो वह ग्राहक को बैंक में बुलाकर ही पूछताछ करता है। इसलिए सभी नागरिकों को चाहिए कि वे किसी भी तरह अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी किसी को भी उपलब्ध न करवाए, अन्यथा वह भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मैं एलडी शर्मा, ब्रांच मैनेजर जोगिंद्रा, केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा सोलन में ब्रांच मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि भारतवर्ष में या हिमाचल में काफ़ी फ्रॉड हो रहा है, लोगों को मोबाइल पे जो है फेक कॉलें आ रही है कि भाई आप जो है अपना ओपीटी नंबर दें, आपकी लॉटरी लग गई है या आपका जो है वो अकाउंट बंद हो रहा है। इस प्रकार की ये लोगों से जानकारी लेते हैं और उनके अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं, जबकि बैंक इस प्रकार की कोई भी लोगों को कॉल नहीं करता। अगर कोई इस प्रकार की कोई बैंक में दिक्कत आती है तो बैंक लोगों को जो है वो बैंक में आकर बुलाता है, उनसे जो है वो लिखित में वो शिकायत दर्ज करवाता है। तो मेरी आम जनता से यही प्रार्थना है कि वो इस प्रकार की फेक घटना से बचें और अपना पैसा सुरक्षित रखें। देखिए, जो बैंकिंग फ्रॉड्स हैं उनसे बचने का एक ही माध्यम है कि खुद सतर्क रहें, होशियार रहें, समझदार रहें। बिकॉज क्या होता है कि आपको बैंक भी, आप देखें, आपको एसएमएस टाइम टू टाइम करते हैं कि अपना ओटीपी शेयर ना करें, आपको ईमेल्स आती हैं बैंक की तरफ से कि कोई भी आपसे अगर आपका कार्ड नंबर मांगे तो वो बैंक के लोग नहीं हैं। तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम लोग, कोई फोन कर रहा है आपको, कोई आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहा है तो आपका अधिकार है उनसे पूछने का कि आप मुझसे डिटेल क्यों मांग रहे हो। सिमिलरली जब आपको कोई, जैसे पुलिस वाला आपको रोकता है तो आप पूछते हो ना, मुझे किस कारणवश आपने रोका है, किसी आप गाड़ी चला रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई फोन कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका ये हो गया है, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? आपको एक माध्यम है आपका बैंक, जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी और आपको वहीं जाना चाहिए। किसी को भी ऑनलाइन ये आप अपनी डिटेल्स ना दें। बिकॉज क्या होता है कि एक बार अगर आपने ऑनलाइन अपनी कार्ड नंबर दे दिए और अगर आप उन्होंने ट्रांजेक्शन कर ली, आपको एक ओटीपी आता, आपने ओटीपी शेयर कर लिया, तो आपको आपका कोई पैसा इवन बैंक भी वापस नहीं कर सकता। बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि अगर ओटीपी शेयर करके कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका जिम्मेवार बैंक नहीं है।